नो डाउट पिछले कुछ सालों में फ्लोरिडा से काफी अच्छे अच्छे रैपर्स आए हैं, इंक्लूडिंग कोडक ब्लैक, डेंजल करी और XXXTentacion। लेकिन 2018 से ही एक फ्लोरिडा रैपर काफी कंट्रोवर्सी में है, एंड ही इज YNW मेली। तो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है जैमी से, जो कि 14 साल की एक टीनेजर थी और 9th ग्रेड में पढ़ती थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद जैमी अपने बॉयफ्रेंड डांटे द गिफ्ट टेलर से प्रेग्नेंट हो जाती है और 1 मई 1999 को 14 साल की उम्र में जैमी का एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम वो रखती है जमेल डीमंस, एके YNW मेली। जिसके बाद अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए जैमी कुछ लोकल जॉब्स करने लगती है। स्टार्टिंग में वो डंकिन डोनट्स में जॉब करती थी, लेकिन उसके बाद उसने एक दिन में दो जॉब्स करनी शुरू कर दी। जैमी तो स्ट्रगल कर ही रही थी, साथ साथ जमेल भी बड़ा हो रहा था और उसने किंडरगार्टन स्कूल में जाना शुरू कर दिया था, जहाँ पे वो बाकी बच्चों की तरह ही था। वो खेलता कूदता रहता था और काफी डांस भी करता था, क्योंकि शुरुआत में जमेल माइकल जैक्सन का काफी बड़ा फैन था। और जब जैमी जमेल्स को डांस करते हुए देखती थी तो उसे लगता था कि ये पक्का आगे चल के कुछ ना कुछ बनेगा। अपने किंडरगार्टन स्कूल में जमेल एक बंदे से मिला जिसका नाम था क्रिस्टोफर थॉमस, जिसे हम लोग YNW जूवी के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों पड़ोसी थे, इसलिए साथ में काफी मजे करते थे, साथ में रहना और साथ में वाटर बलून फाइट भी करना। उस टाइम पे जमेल के पास एक पिंक रेडियो भी था, जिसमें वो रोज रिपीट पे बस एक ही एल्बम सुनता रहता था, और वो थी क्रिस ब्राउन की पहली एल्बम। इसके अलावा वो अपने दोस्तों के सामने ऐसे ड्रामा करता था जैसे कि वो कॉन्सर्ट कर रहा है। ये दोनों साथ में इतने मजे करते थे कि एक दिन तो ये दोनों आपस में बोर हो रहे थे, जिस वजह से इन्होंने अपने घर के पीछे वाले जंगल में आग लगा दी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड आई और उस आग को बुझाया, जिस वजह से जैमी ने इन दोनों को मारा। इसके बाद जमेल ने कुछ पॉप म्यूजिक को भी सुनना शुरू करा, जहाँ पे वो एडी शिरान और विज खलीफा जैसे आर्टिस्ट को सुनता था, और वो अपने आसपास के लोगों को रैप भी करके दिखाता था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन जमेल ने उस टाइम पे दोनों ही चीजों को इग्नोर कर दिया, पहला रैप और दूसरा उन लोगों को। अब जमेल धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा था, लेकिन एक क्रिमिनल सिटी में पैदा होने के बाद भी उसका बिहेवियर बाकी बच्चों जैसा ही था, उसका नेचर बिल्कुल भी वायलेंट नहीं था। इसके बाद जब जमेल 4th ग्रेड में आया तो वो एक दिन अपने अंकल रोनी के घर पे गया, जहाँ पे काफी सारे टॉयज थे और एक टॉय गन भी थी। जमेल ने उस टॉय गन को उठाया और वो एक मूवी का एक सीन परफॉर्म करने लग गया। उस मूवी का नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जिसमें एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट है। दरअसल इस मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट एक कमरे में होते हैं, जहाँ पे अचानक से गन फायरिंग हो जाती है और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं और बाहर जाके फायरिंग करने लगते हैं, और तभी एक बुलेट हीरोइन के पास से होके निकलती है। जमेल भी अपने अंकल के घर पे यही सीन परफॉर्म कर रहा था। इस सीन को परफॉर्म करते करते जमेल जमीन पे रोल होने लगा, और जब उसने अपना सर काउच से बाहर निकाला तो उसे एक चीज चमकती हुई नजर आई। जब जमेल उस चमकती हुई चीज के पास गया तो उसने देखा कि ये एक रियल 22 रिवॉल्वर है। जिसके बाद जमेल ने उस रिवॉल्वर को उठाया और बाहर जाके फायरिंग कर दी, और उस रिवॉल्वर की आवाज उसके कानों में एक हफ्ते तक सुनाई देती रही। अब ये वो टाइम था जब जमेल के हाथ में पहली बार रियल वेपन लगा था, और उससे डरने के बजाय जमेल को वो काफी पसंद आ गया। जमेल को वो रिवॉल्वर इतनी पसंद आई कि वो उसे टिफिन बॉक्स में स्कूल लेके जाने लगा, और इतना ही नहीं बल्कि कभी कभार तो वो दो रिवॉल्वर भी ले जाता था। इसके बाद जब 4th ग्रेड का ग्रेजुएशन डे आया तो जमेल ने परफॉर्म भी करा था, वो भी लीड रोल में अपने स्कूल के अंदर, और यही वो टाइम था जब वो YNW सेक्चेसर और बॉटलेन से मिला था। इसके बाद टाइम बीतता गया और जमेल मिडिल स्कूल में आ गया, जहाँ पे उसने अपने हेयर आधे ब्लॉन्ड कर लिए आधे ब्लैक, और उसने काफी अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और उसने लोगों के ओपिनियन को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद जब जमेल 8th ग्रेड में आया तो उसने खुद को स्ट्रीट लाइफ और गैंग वगैरह में इन्वॉल्व कर लिया, जहाँ पे उसके आसपास के लड़के उसका काफी मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो रैपर बनना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे जमेल उन्हें कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो उनको मेलविन से नहीं मिलवाना चाहता था। अब मेलविन कौन है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे जमेल ज्यादातर चीजों को हंस के टाल दिया करता था। इस टाइम पे जब जमेल अपने आसपास के लोगों को देखता था तो वो नोटिस करता था कि ज्यादातर लोग वहाँ पे 9 to 5 जॉब करते हैं ताकि वो अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर सके, और ये चीज देखने के बाद जमेल ने सोच लिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा बल्कि वो अपने बॉक्स को ओपन करेगा और कुछ ऐसा करेगा जिसमें स्कोप हो, ना कि एक ट्रैप सर्कल जॉब की तरह जहाँ पे एक बोरिंग लाइफ होती है। इसके
बाद जमैल ने अपना लैपटॉप लिया और अपनी डांस वीडियोस को फेसबुक पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद टाइम बीतने लगा और जमैल का नेचर धीरे धीरे बदलने लगा। मतलब पहले जो जमैल पूरे दिन हंसता रहता था, अब वो बस दो ही चीजों पे फोकस करता था, पहला म्यूजिक और दूसरा वेपन्स। इसके बाद 2014 के अराउंड उसने अपना म्यूजिक साउंडक्लाउड पे अपलोड करना शुरू कर दिया, जहां पे उसने पहली बार अपने नाम में YNW लगाया, जिसकी फुल फॉर्म है यंग न्यू वेव। और तो और उसके दोस्तों ने भी अपने नाम में YNW लगाना शुरू कर दिया और जहां ये पहले चार दोस्त हुआ करते थे, अब ये एक कलेक्टिव बन गया था। मैली ने अपने करियर की शुरुआत साउंडक्लाउड से इसलिए की थी क्योंकि स्टार्टिंग में एक रैपर के लिए साउंडक्लाउड से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली उसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 2014 भी बीत गया और 2015 आ गया और 19 अक्टूबर 2015 को जब मैली 16 साल का था तो अकॉर्डिंग टू लीगल रिपोर्ट्स वो 2:26 पे वीरो बीच हाई स्कूल के पास पहुंचा, जहां पे पहले से ही 3 स्टूडेंट्स मौजूद थे। वहां पे मैली ने बिना राइट लेफ्ट देखे अपना सेमी ऑटोमेटिक गन निकाली और उन स्टूडेंट्स की तरफ फायरिंग कर दी और वो वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे पुलिस आई और उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि जिसने फायरिंग करी थी वो मैली ही था। ये सुनने के बाद इंस्टेंटली पुलिस मैली को पकड़ने के लिए गई और उन्होंने उसे ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद मैली के ऊपर चार्जेस लगे 3 counts ऑफ असॉल्ट विद डेडली वेपन और 1 count ऑफ डिस्चार्ज फायर आर्म इन पब्लिक। और इन चार्जेस की वजह से मैली को 1 साल के लिए फ्लोरिडा जेल में भेज दिया, जहाँ पे वो अपने कुछ सेलमेट से मिला और उनका दोस्त बन गया, जिसमें से उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम था एंटोनियो। इसके बाद मैली एक दिन जेल में सवेरे सो के उठा और वो कुछ लिरिक्स गुनगुनाने लग गया और वो लिरिक्स थे वेक अप इन द मॉर्निंग आई गॉट मर्डर इन माय माइंड। दरअसल वो जो बंदा था एंटोनियो वो कोडक ब्लैक का काफी बड़ा फैन था, जिस वजह से मैली ने अपने लिरिक्स उसे सुनाए। ये सुनने के बाद एंटोनियो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने मैली को सलाह दी कि भाई अब तू मेरा फेवरेट रैपर है और अपने म्यूजिक को सीरियसली लो। और 1 साल बाद जब मैली जेल से बाहर आया तो उसने अपने म्यूजिक को लिटरली सीरियसली लेना शुरू करा और अपने म्यूजिक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब मैली जेल से बाहर आया और अपने म्यूजिक के ऊपर फोकस कर रहा था तो इसी बीच वो एक और केस में फंस गया, जहाँ पे 17 फरवरी की शाम को वो जिफर्ड नेबरहुड में अपनी गैंग के साथ खड़ा था। तभी वहाँ से एक कार गुजरी और मैली की गैंग के एक बंदे ने उसके ऊपर बॉटल फेंक के मारी, जिसके रिस्पॉन्स में उस चलती कार में से एक बंदा बाहर निकला और मैली की गैंग के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद मैली की गैंग के एक बंदे ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन इस फायरिंग में ना ही उस कार ड्राइवर को कुछ हुआ और ना ही मैली की गैंग के किसी बंदे को। लेकिन वहीं पे पास में एक शेरिफ खड़ा था और मैली की गैंग के एक बंदे ने जो फायरिंग करी थी वो गोली जाके उस शेरिफ को लग गई, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अब गलती से हो या फिर जानबूझ के था तो ये एक मर्डर ही, इसलिए पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले उस कार ड्राइवर को अरेस्ट करा जिसका नाम था मखेल, जहां इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस वालों को पता चला कि जो मखेल है वो उस शेरिफ का दूर का रिश्तेदार है, जिस वजह से उनका शक उसके ऊपर और बढ़ गया। फिर पुलिस वालों ने मखेल का वेपन चेक करा, लेकिन जो गोली शेरिफ को लगी थी वो गोली मखेल के वेपन से मैच नहीं हुई, जिस वजह से पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। मतलब अब साफ था कि मैली की गैंग के किसी बंदे ने ही उस शेरिफ को गोली मारी है। और सबसे ज्यादा शक पुलिस वालों को मैली और बॉटलैन के ऊपर था, क्योंकि वो लोग भी गैंग में ही थे। लेकिन ये केस आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, इस वजह से मैली के ऊपर चार्जेस नहीं लगे। इसके बाद मैली ने अपने म्यूजिक को साउंडक्लाउड के साथ साथ यूट्यूब पे भी अपलोड करना शुरू कर दिया और उसने अपने यूट्यूब चैनल पे पहला गाना डाला 772 लव, जो कि ऑडियो था। और इसके बाद उसने डायरेक्टली मर्डर ऑन माई माइंड का ऑडियो वर्जन डाल दिया और ये गाने लोगों को थोड़े बहुत पसंद आने लग गए। जैसे ही मैली ने देखा कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे और गाने अपलोड करने शुरू कर दिए और वो बीच बीच में व्लॉग भी अपलोड कर दिया करता था। जिसके बाद 20 दिसंबर 2017 को उसने अपनी एक ईपी कलेक्ट कॉल रिलीज करी, जिसके अंदर गाने थे जैसे कैचिंग फीलिंग्स, मैली द मैनस और 772 लव, जिसकी वजह से मैली फ्लोरिडा के लोकल एरिया में पॉपुलर होने लग गया। इसी बीच मैली ने अपना एक और गाना अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा था जिसका नाम है इनमेट स्टोरी। वैसे तो पब्लिक ने इसे ज्यादा अटेंशन नहीं दी, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये गाना जरूर सुनना। इसमें मैली बात करता है कि वो जेल के अंदर गुंडों के साथ था और तो और वो जिस जेल में बंद था वो 4x4 inch का कमरा था। इसके बाद मैली ने अपनी म्यूजिक वीडियो भी रिलीज करी मैली द मैनस की, लेकिन 30 जून 2018 को YNW मैली को एक बार फिर अरेस्ट कर लिया और इस बार उसके साथ बॉटलैन भी था, जहां पे इनके ऊपर चार्जेस लगे थे पजेशन ऑफ मैरुआना, पजेशन ऑफ वेपन और ड्रग पैराफिनालिया। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद एविडेंस कम होने की वजह से वेपन वाले चार्जेस हट गए और कोर्ट ने ड्रग वाले चार्जेस ये बोल के हटा दिया कि ये कोई सीरियस इशू नहीं है। इसके बाद जब मैली ने नोटिस करा कि पुलिस इसको अरेस्ट करने में फेल हो गई है तो उसने इस चीज का फायदा उठा के अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लू बैलेंसियागा रिलीज कर दिया और मर्डर ऑन माई माइंड की तरह ये भी ब्लो अप हो गया। इस टाइम तक मैली ने अपने म्यूजिक को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और 3 अगस्त 2018 को उसने अपनी डेब्यूट मिक्स टेप IMU भी रिलीज कर दी। इस मिक्स टेप के अंदर टोटल 15 गाने थे, इंक्लूडिंग मर्डर
मर्डर ऑन माई माइंड, मामा क्राई और रिस्क टेकर। वैसे तो ये मिक्स टेप पूरी काफी सक्सेसफुल हुई, लेकिन जो गाना है आई एम यू वो मैली की गर्लफ्रेंड को डेडिकेटेड था, जिसका नाम है मराया, जिसको तुमने इस मिक्स टेप के कवर आर्ट पे भी देखा होगा। इसके अलावा जो इस मिक्स टेप में गाना है मामा क्राई, उसके अंदर मैली अपनी मॉम से अपोलोजाइज कर रहा है, जहाँ पे वो उन्हें बताता है कि जेल की लाइफ कितनी मुश्किल होती है और वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं, मतलब जो कैदी होते हैं, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है, जिनमें चल पाना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें एक और सॉन्ग था जिसका नाम है स्लैंग दैट आयरन, जिसका मतलब होता है किसी के ऊपर गन पॉइंट करना। दरअसल इस सॉन्ग को बनाने के पीछे मैली का पर्पस बस इतना था कि वो अपनी मॉम को बताना चाहता था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं, और वो अपनी मॉम से कहता है कि या तो वो उन्हें मार देगा या तो वो खुद मर जाएगा। और अगर तुम इस गाने को थोड़ा सा स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैली खुद अपने मुंह से बोलता है कि वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए किसी का मर्डर भी कर सकता है। और हाँ, ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, तुम चाहो तो इंटरनेट पे इस गाने के बारे में पढ़ सकते हो कि इस गाने को बनाने के पीछे मैली का मोटिव क्या था। स्लैंग दैट आयरन के अलावा भी ये पूरी ईपी काफी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो इसे यूट्यूब पे फ्री में सुन सकते हो। तो अभी तक अगर तुम देखोगे तो मैली का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया था। आई मीन, तुम्हें याद होगा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि चाइल्डहुड में मैली हमेशा हंसता रहता था और हर नेगेटिव एक्टिविटी से दूर रहता था, लेकिन इस टाइम तक मैली ने खुद को अपने आसपास के एनवायरमेंट में ढाल लिया था। और इसके अलावा मैली का नेचर भी अब काफी वायलेंट हो गया था। एंड अकॉर्डिंग टू मैली, जिसको तुम हंसते हुए देखते हो और मोटिवेटेड देखते हो वो मैली है, और जो तुम उसका वायलेंट नेचर देखते हो और गैंगस्टर देखते हो वो मेलविन है। मेलविन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैली ने अपने यूट्यूब चैनल पे मर्डर ऑन माई माइंड की ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो अपलोड करी, और उसके साथ साथ उसने एक और म्यूजिक वीडियो अपलोड करी थी जिसका नाम है बटर पीकन, जिसके बाद मैली अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री शूट करने चला गया। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री कम्प्लीट होने के 4 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मैली ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दरअसल 26 अक्टूबर 2018 को YNW मैली, जूवी, सैक चेसर और बॉटलैन, ये चारों लोग स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करके आ रहे थे, और जिस कार में ये बैठे थे वो थी ब्लैक कंपस जीप, जिसमें बॉटलैन ड्राइवर था और उसके पीछे मैली बैठा था। बॉटलैन के साइड में सैक चेसर बैठा था और मैली के साइड में जूवी बैठा था, जिसके बाद ये लोग उस ब्लैक जीप से घर जाने लगते हैं। लेकिन स्टूडियो से निकलने के 1 घंटे बाद बॉटलैन सीधा मियरमार हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचता है, जहां पे वो पुलिस वालों को और हॉस्पिटल के स्टाफ को बताता है कि मैं और मेरे दोस्त ड्राइव बाय शूटिंग का शिकार हुए हैं। दरअसल ड्राइव बाय शूटिंग उसे कहते हैं जब कोई चलती कार में से किसी को गोली मार देता है, जिसके बाद पुलिस वाले तुरंत कार को चेक करते हैं, जिसमें से 2 डेड बॉडीज निकलती है जो कि YNW जूवी और सैक चेसर की थी। लेकिन जिस टाइम पे बॉटलैन हॉस्पिटल पहुंचा था उस टाइम पे बॉटलैन अकेला था, कहने का मतलब यह है कि मैली क्राइम सीन पे मौजूद नहीं था। उसके बाद डॉक्टर उन दोनों की डेड बॉडीज को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, और वहां पे जो डिटेक्टिव था वो पुलिस और बॉटलैन को लेके उस क्राइम सीन पे जाता है, जहां पे पुलिस बिना देरी किए उस पूरे एरिया को लॉकडाउन कर देती है ताकि वहां की इन्वेस्टिगेशन हो सके। फिर क्राइम सीन पे जाने के बाद पुलिस ने बॉटलैन से पूछा कि तुम्हारे साथ शूटिंग कैसे हुई, तो बॉटलैन ने उन्हें बताया कि रास्ते में जाते वक्त राइट साइड से एक कार आई और उनके ऊपर शूटिंग करनी शुरू कर दी, और जैसे ही इनके ऊपर शूटिंग होने लगी तो ये सभी लोग कार के नीचे झुक गए। लेकिन जब थोड़ी देर बाद बॉटलैन ने अपना सर ऊपर करा तो उसने देखा कि उसके 2 दोस्तों को गोली लग गई है। अब इसके बाद पुलिस ने इस मर्डर केस को सीरियसली लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और अगले दिन मैली ने अपने 2 दोस्तों को ट्रिब्यूट भी करा था। और इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों मैली के इतना क्लोज थे कि मैली ने उनकी डेथ से पहले उनके नाम के टैटू अपने फेस पे बनवा रखे थे। लेकिन इस इंसिडेंट के 4 महीने बाद पुलिस वालों ने बॉटलैन और मैली दोनों को अरेस्ट कर लिया, जहां पर पुलिस वालों ने इनके ऊपर चार्जेस लगाए 2 counts of first degree murder के, क्योंकि जब पुलिस वाले और डिटेक्टिव इस केस की डेप्थ में गए और सारे एविडेंस को जब इकट्ठा करा तो उन लोगों ने एक अलग ही पिक्चर पेंट कर दी। एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस, उस दिन जो बॉटलैन ने बताया वो नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन सीन कुछ ऐसा हुआ था। तो ये स्टोरी शुरू होती है 26 अक्टूबर 2018 को रात के 3:30 बजे, जहाँ पे YNW मैली, बॉटलैन, जूवी और सैक चेसर स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करके घर आ रहे थे। और डिटेक्टिव और पुलिस की माने तो मैली उस टाइम पे कार के अंदर ही था। थोड़ी दूर तक कार चलने लगी और उसके बाद अचानक से मैली का बिहेवियर बदल गया। अब क्योंकि ये रात का टाइम था इसलिए उस टाइम पे मेलविन भी जाग गया। एंड देन Murder on my mind. Yes, मेलविन ने वो कर दिया, मतलब मेलविन ने उन दोनों का मर्डर कर दिया। अब मेलविन कौन है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मतलब पुलिस वालों की माने तो मैली ही वो बंदा था जिसने अपने दोनों दोस्तों को गोली मार दी। और जब पुलिस वालों ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी तो उन लोगों को ये भी पता चला कि सैक चेसर और जूवी को जो कार में गोली लगी थी वो लेफ्ट साइड से लगी थी, और पुलिस वालों ने उस जगह के सीसीटीवी कैमरा भी चेक करे जहां पे उन्हें ड्राइव बाय शूटिंग का कोई प्रूफ नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस वालों ने ये चीज अनाउंस करी कि मैली ने अपने दोनों दोस्तों का मर्डर करा है, और मर्डर करने के बाद उसने कार के बाहर भी फायरिंग करी है पुलिस वालों को मिसलीड करने के लिए, ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये एक ड्राइव बाय शूटिंग है। इस चीज का प्रूफ ये भी है कि बॉटलैन जब स्टूडियो से निकला था तो उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा था उसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी,
जहाँ पे पुलिस वालों को उसकी हुडी के ऊपर कोई ब्लड के निशान नहीं मिले, लेकिन जो अंदर उसने टी शर्ट पहन रखी थी उसके ऊपर ब्लड के निशान थे, जिसका मतलब साफ था कि बॉटलैन झूठ बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर बॉटलैन की स्टोरी वाकई में सच्ची है और वो सच बोल रहा है तो उसकी हुडी के ऊपर ब्लड के निशान क्यों नहीं थे, लेकिन उसकी अंदर वाली टी शर्ट के ऊपर ब्लड के निशान थे, जिस वजह से पुलिस ने मैली और बॉटलैन दोनों को अरेस्ट करा था। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जब बॉटलैन हॉस्पिटल पहुंचा था तो उससे थोड़ी देर पहले मैली उसके साथ ही था, जिसके बाद उसने अपनी मदर को फेस टाइम करा और ये बताया कि उसके दोस्त और वो ड्राइव बाय शूटिंग का शिकार हुए हैं, जिससे ये चीज साबित हो गई कि मैली शूटिंग के दौरान कार में ही था। मैली के कार में होने का प्रूफ ये भी था कि मैली जिस सीट पे बैठा था उस सीट पे पुलिस वालों को बुलेट का एक शेल मिला था। शेल बेसिकली उस कवर को कहते हैं जो बुलेट के ऊपर लगा होता है। दरअसल जब तुम किसी भी गन से किसी के भी ऊपर फायर करते हो तो जो बुलेट होगी वो तो वहां जाके लगेगी जहां पे तुमने टारगेट किया है, लेकिन जो उसका शेल होगा वो वहीं पे गिर जाएगा जहां से तुमने शूटिंग करी है। तो अगर बॉटलैन की माने तो इस केस में जो बुलेट का शेल है वो वहां पे गिरना चाहिए था जहां से शूटिंग हुई है, तो वो बुलेट का शेल मैली की सीट पे कहां से आया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि मैली और बॉटलैन काफी देर तक डेड बॉडीज को साथ में लेके घूम रहे थे ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि ये एक ड्राइव बाय शूटिंग का केस है। फिर पुलिस वालों ने इस चीज को और कंफर्म करने के लिए मैली के फोन रिकॉर्ड्स चेक करे और इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि मैली भी क्राइम सीन पे ही था। अगर तुम इस केस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो तुम कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो, जहाँ से ये केस तुम्हें डिटेल में पता चल जाएगा। अब ये तो वो स्टोरी है जो बिल्कुल मैली के अगेंस्ट है, और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जिसने शूटिंग करी वो मेलविन था, तो अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि कार के अंदर तो चार लोग थे तो फिर ये मेलविन कौन है। वेल, यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे ईवल पार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू मैली उसको एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम है बाइपोलर। अगर तुमने मेरी लिल पीप वाली डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो तुम्हें पता होगा मैंने उसमें बताया था कि लिल पीप को बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसमें इंसान को एक्सट्रीम मूड स्विंग होने लगते हैं और काफी एंजाइटी भी होने लगती है। लेकिन मैली की केस में बात सिर्फ मूड स्विंग की नहीं है, बल्कि जो तुम एक्साइटेड और हैप्पी मैली देखते हो वो वाकई में मैली ही है, और मैली की लाइफ में जितने भी क्राइम हुए हैं वो सारे मेलविन ने करे हैं, उसके पहले क्राइम से लेके अब तक। और ये जो मेलविन है वो मैली की दूसरी पर्सनैलिटी है, और जो मैली है वो तो बस एक फनी क्लाउन है जो कि हंसता रहता है। मैली ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मेलविन काफी ईवल है, जो कि मैली को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है, और वो ज्यादातर रात के 12 बजे के बाद जगता है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा और लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ तो तुम खुद उसका इंटरव्यू देख सकते हो। और मैली ने ये भी बताया कि अगर मैली को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मेलविन ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर एक बार मेलविन जग गया तो उसे कंट्रोल करना मैली के हाथ में भी नहीं है। दरअसल मैली के हिसाब से उसके पास 6 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, मैली और मेलविन को मिला के। एंड अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताए तुम इसे किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कनेक्ट कर रहे होगे, कि मैली के ऊपर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। तो दोस्त, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम यहाँ पे बहुत गलत हो, क्योंकि ये सारी बातें जो मैली कर रहा है वो एक ही चीज को पॉइंट आउट करती हैं, जिसे कहते हैं डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज डेवलप कर लेता है, एंड नो डाउट मैली इसी का विक्टिम है। एंड ऐसा मेंटल डिसऑर्डर इंसान को दो ही केस में होता है, जिसका सबसे पहला रीजन है कि उसकी पास्ट लाइफ में पहले कोई ट्रॉमा हुआ हो, या फिर दूसरा कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हो। और अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो तुम समझ गए होगे कि मैली की लाइफ में मेंटल ट्रॉमा कितना है। और अगर तुम इस केस को इंटरनेट पे स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सारे एविडेंस मैली के ही अगेंस्ट हैं, और जो ओपोजिशन पार्टी है वो मैली को डेथ पेनल्टी दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ मैली की लीगल टीम उसको इनोसेंट साबित करने में लगी हुई है। वैसे तो मैं कोई जज या फिर लॉयर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इस केस को डिटेल में देखोगे तो सारे एविडेंस मैली के ही अगेंस्ट हैं, और वो कहीं ना कहीं इस केस में गिल्टी है। अब हो सकता है तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि अगर मुझे ये सब दिखाई दे रहा है तो क्या ये सब लीगल सिस्टम को दिखाई नहीं दे रहा कि मैली को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, उन्हें भी ये सब दिखाई दे रहा है, और इसीलिए तुमने बहुत सारे मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा कि जब भी कोई किलर किसी का मर्डर करता है तो बहुत से केसेस में उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहां पे उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर रिसर्च करी जाती है और पता लगाया जाता है कि मर्डर जानबूझ के करा है या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू था। अगर इस केस को ठीक से देखा जाए तो इस केस के अंदर मैली काफी लकी है, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में मैली है इसे कहते हैं द परफेक्ट क्राइम। परफेक्ट क्राइम बेसिकली उसे कहते हैं कि जब तुम कोई क्राइम करो और पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट में हो, मतलब तुम क्राइम करने के बाद भी लोगों की नजरों में अच्छे बन जाओ, जैसे अभी मैली के साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कभी एनिमे का नाम सुना है तो तुमने डेथ नोट देखा होगा। दरअसल डेथ नोट एनिमे के अंदर एक लाइट यागामी नाम का कैरेक्टर होता है, जिसे एक बुक मिलती है डेथ नोट, जिसके अंदर वो जिस भी पर्सन का नाम लिखेगा वो मर जाएगा, जिसके बाद लाइट यागामी उस डेथ नोट को लेता है और उसमें सारे क्रिमिनलों के नाम लिखने लगता है, ये सोच के कि वो उनको
उनकी सजा दे रहा है। लेकिन अगर ठीक से देखोगे तो एट दी एंड वो भी एक क्राइम कर रहा है। तो इस केस में लाइट यागामी भी एक क्रिमिनल है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे पसंद करते हैं। इसके अलावा तुमने मैली की जेल के अंदर कुछ फोटोज भी देखी होगी जिनमें वो हंस रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों को लगता है कि मैली एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी हंस रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो हंस रहा है वो मैली है, और जिसने मर्डर किया था वो मेलविन था, और मैली कोर्ट में बैठ के वही कर रहा है जो वो हमेशा से करता आया है। मतलब वो एक फनी क्लाउन है, इसलिए वो हंसता रहता है। इसके अलावा मैली अभी जब अपने लीगल बैटल फेस कर रहा है तो इसी बीच उसकी एक और एल्बम रिलीज हुई है जिसका नाम है मैली वर्सेस मेलविन, और अकॉर्डिंग टू मैली ये मैली और मेलविन दोनों का प्रोजेक्ट है। इस एल्बम का पहला सॉन्ग है टू फेस्ड, जिसमें मैली ने अपनी दो और पर्सनालिटीज को इंट्रोड्यूस करवाया है जिनके नाम है मार्कस और मार्विन। लेकिन जब उससे इंटरव्यू में इस बारे में पूछा तो उसने बोला कि मार्विन और मार्कस नहीं चाहते कि वो उनके बारे में बात करे या फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाए। इसके अलावा इस एल्बम में सुसाइडल गाना भी था जो कि काफी अच्छा है, और उसका जूस वर्ल्ड वाला वर्जन तो क्रेजी है। साथ ही साथ मैली का एक गाना कान्ये वेस्ट के साथ भी है जिसका नाम है मिक्स्ड पर्सनालिटीज, जो कि उसकी वी ऑल शाइन एल्बम से है जो कि उसके अरेस्ट से पहले रिलीज हुई थी। जैसे जैसे मैली का लीगल केस आगे बढ़ रहा था तो पुलिस को एक एविडेंस मिला जो कि मैली की एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहा था कि उसने उन्हें मार दिया और उसे उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। अब ये एक बहुत स्ट्रांग एविडेंस था जिसे ऑपोजिशन पार्टी यूज करने वाले थे, वो भी मैली के अगेंस्ट। लेकिन बाद में पता चला कि मैली केविन गेट्स के एक गाने के लिरिक्स गा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि मैली की जो ऑपोजिशन पार्टी है वो उसको डेथ पेनल्टी दिलवाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। और तो और ये भी न्यूज आई थी कि उसके सॉन्ग मर्डर ऑन माय माइंड को भी कोर्ट में यूज किया जा रहा है, वो भी मैली के ही अगेंस्ट। अगर तुम मर्डर ऑन माय माइंड गाने को ध्यान से देखोगे तो ये गाना मैली और मेलविन दोनों ने लिखा है, क्योंकि इस गाने की शुरुआत में मैली कंप्लेंट करता है कि कैसे वो वीड नहीं पी सकता, अपनी मदर को हग नहीं कर सकता और अपने इंस्टाग्राम पे फोटो भी नहीं डाल सकता। अब मैली का सबसे पहला अरेस्ट क्रिसमस से पहले हुआ था, जिस चीज का रेफरेंस उसने इस सॉन्ग में दिया है। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो तो मैली के प्रस्पेक्टिव से लिखी गई है, लेकिन जो दूसरा वर्स है उसे मेलविन के प्रस्पेक्टिव से लिखा गया है, जहां अपना वर्स शुरू होते के साथ ही मेलविन एक स्टोरी सुनाता है कि उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ रखा है और चारों तरफ येलो टेप लगी हुई है जो कि एक क्राइम सीन का रेफरेंस है, और मेलविन का फ्रेंड उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी मेलविन उसे गोली मार देता है, और यही स्टोरी वो मर्डर ऑन माय माइंड गाने में सुना रहा है, जिस वजह से पुलिस वालों को उसके ऊपर काफी शक है। और अगर तुम्हें याद हो तो मर्डर रात के टाइम हुआ था, जिसकी हाई पॉसिबिलिटीज है कि वो मैली ने ही किया हो। इसके अलावा मैली का एक और गाना माइंड ऑफ मेलविन भी कोर्ट में यूज होने वाला था एविडेंस के तौर पे, लेकिन उसके बाद उस गाने में लिल उजी वर्ड को फीचर करवा दिया ताकि उस गाने को यूज ना किया जा सके। और तो और अभी कुछ समय पहले ये न्यूज भी आई थी कि YNW मैली जेल में बैठ के वहां से भागने का एक सीक्रेट प्लान बना रहा है, जहां शेरिफ ऑफिस वालों ने ये बताया कि उन्हें एक कॉन्फिडेंशियल टिप मिली है, वो भी लेविस नाम के बंदे से जो कि ब्रावर्ड काउंटी जेल में मैली का सेलमेट है, जिस वजह से पुलिस वालों ने इमीडिएटली लेविस और मैली का सेल चेक किया, जहां पे लेविस के सेल में उन्हें काफी सारी इलीगल ड्रग्स मिली, लेकिन मैली के सेल में खाने के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके बाद मैली को जेल में कॉल वगैरह करने से मना कर दिया, और मैली के जब जेल से भागने की न्यूज मीडिया में सर्कुलेट होने लगी तो उसकी मदर ने एक वीडियो बना के बताया कि अब ऑपोजिशन पार्टी के पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, जिस वजह से वो लोग मैली के अगेंस्ट ऐसी झूठी न्यूज बना रहे हैं ताकि वो लोग मीडिया में उसकी इमेज खराब कर सके, और अब वो लोग ज्यादा टाइम तक मैली को जेल में नहीं रख पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने इन सब चीजों को इग्नोर करके मैली को डेथ पेनल्टी देने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उस टाइम पे लोअर कोर्ट ने उसे बचा लिया था। पर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे पिचफोर्क मैगजीन पे एक आर्टिकल देखने को मिला जो कि 11 नवंबर 2022 को ही पोस्ट किया गया था, जहां पे ये बताया जा रहा था कि अगर ये केस ऐसे ही चलता रहा और मैली की टीम अपनी ओपोजिशन पार्टी को डिफेंस नहीं कर पाई तो हो सकता है उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी, और इसकी काफी हाई पॉसिबिलिटीज है अकॉर्डिंग टू कोर्ट। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है मौत की सजा। वेल, मुझे नहीं पता इस केस में आगे क्या होगा, बट अगर मैली इनोसेंट है तो जूवी और सेक्चेसर के साथ उसे भी जस्टिस मिलनी चाहिए। और अगर तुम मैली की विकिपीडिया देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 2020 में एक न्यूज आई थी कि उसको कोविड भी है, जिस वजह से जेल वाले उसको हेल्थ फैसिलिटी भी देते हैं। और अगर इन सभी लीगल इश्यूज को साइड में रख के मैली को एज अ आर्टिस्ट देखा जाए तो नो डाउट ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड आर्टिस्ट। मुझे ज्यादातर उसके गानों के बदले उसकी रॉ वोकल सुनने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो काफी अच्छी हैं। और अगर तुम 772 लव और सुसाइडल जैसे सॉन्ग सुनोगे तो उसमें उसके हाई नोट्स भी काफी अच्छे हैं। इसके अलावा एट द एंड में तुम्हें उसका एक सॉन्ग रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है फ्रेडी क्रूगर, जो कि काफी अंडररेटेड और अच्छा गाना है। सो गाइस, ये थी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री YNW मैली की। अगर तुम्हारा कोई सजेशन है तो तुम कमेंट कर देना। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।